हेलो हाय, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू ए न्यू डे विथ अ न्यू ब्लॉग। और आज है मदर्स डे, सो हैप्पी मदर्स डे टू ऑल द मॉम्स और इंक्लूडिंग मी। तो आज सुबह सुबह ब्रेकफास्ट में बन रही है इडली और चटनी। आज बहुत दिन बाद हमारे घर पे इडली बन रही है। लाइक 4 to 5 years पहले हम लोगों का इडली इतना हम लोग कॉन्स्टेंटली खाते थे, लाइक डिनर में ब्रेकफास्ट में बहुत बनती थी। और फिर ऐसा टाइम आया कि अब इडली खाने का मन ही नहीं करता। तो आज कम से कम 3-4 महीने बाद हमारे घर में इडली बन रही है, वो भी निवान ने बोला इसीलिए। और ऐसा कभी कभी होता है, कोई कोई खाने से आपका इतना आप खाने लग जाते हो, इतना पसंद करते हो कि फिर धीरे धीरे उससे आपका मन उतर जाता है। तो बताना ज़रूर आपका वैसा कौन सा फूड है। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ प्लेन सा ऑनियन टमाटर और थोड़ा सा चना दाल। चना दाल इसलिए दिया क्योंकि वो जो फ्राइड वाला ग्राम होता वो मेरे पास था नहीं। तो बस इसका चटनी बनाएंगे प्लेन सा। और ये वाली चटनी बहुत जल्दी हो जाती है और सारे इंग्रेडिएंट्स घर में तो रहते ही हैं तो फट से बन जाती है। कोकोनट वाला मुझे थोड़ा कभी मन करता है तो बनाती हूँ, ज़्यादातर नहीं बनाती हूँ क्योंकि उसमें कोकोनट को निकालो फिर उसको पीसो, तो वो इसीलिए ये वाली चटनी खाने में भी अच्छी लगती है बहुत। और बन गए गर्मा गर्म इडली और चटनी आज सुबह का ब्रेकफास्ट में। और ये हो रही है दूसरी चाय दिन की। पहली चाय तो उठते ही हो जाती है, अभी ये सेकंड दूध वाली चाय है। और चलो अभी करते हैं ब्रेकफास्ट। चलो चलो चलो, लेट हो जाएंगे। मोबाइल पकड़ के दोनों बैठे हो। अब मैंने भी गाड़ी ऑन किया था। कितना सारा पका हुआ कटहल मिल रहा है देखो, कितना सारा जैक फ्रूट। हाँ वही जैक फ्रूट है, कच्चा कच्चा वाला जैक फ्रूट अच्छा लगता है तुमको? हाँ, मैंने कभी जैक फ्रूट खाया भी नहीं। उसको कटहल लेना है इसीलिए। अरे इंडिकेटर तो मारेगा ना। वो थोड़ी मारेगा, वो अभी कटहल देख के दीवाना हो गया है कटहल का, अभी उसको और कुछ नहीं सूझ रही है। अच्छा मैं हिंदी में बोलूं, तुम उसको उड़िया में करो। मुझे तो उड़िया आता है, मुझे उड़िया नहीं आता है तुम्हें। बट सीखना पड़ेगा ना बेटा, बंगाली भी सीखना पड़ेगा, उड़िया भी सीखना पड़ेगा। मुझे तो बंगाली पहले से ही आता है। यू आर 50% बंगाल आता है? हाँ। ओके बताओ तो हम लोग शॉपिंग करने आए हैं, क्या होगा? अच्छा ठीक है, ये वही वाला बताओ कि मैं एक अच्छा लड़का हूँ। आमी बोलो और पीला। हाँ पीला नहीं, पीला उड़िया में होता है, बंगाली में क्या होता है? छ छे छेले। हाँ आमी खूब भालो छेले। क्या तुम उनको क्या कर रहे थे, हाय कर रहे थे? तुम किसी को नहीं छोड़ते हो, सबसे तुमको बात करनी है। अच्छा लग रहा है, सही में अच्छा लग रहा है।
मैच नहीं हो रहा है। ये अच्छा लग रहा है, डोंट ओपन इट। ये क्या है समझ रहे हो? পুরনো ল্যান্টেন আর ওই বাক্স আমাদের গ্রামের বাড়িতে পাওয়া যায় এগুলো, এখনো এইগুলো দেখো এখন স্টাইলে সাজানো। তুমি আর মেরে সে ভি বড়ে হো, কই লড়কি ভি হার মান যায়গি তুমকে তোমারে সামনে খরিদনে মে। বাবাই জেসা করো তব নিনজা 650 আ যায়গি। पापा मेरे को चाहिए, तुम बोलो किरण मेरे को चाहिए, किरण मेरे को चाहिए। हाँ मेरे को निंजा 650 चाहिए। मैं नहीं दे सकती ना, उतना नहीं है मेरे पास। नहीं अगर देना है तो वही दो, नहीं तो नहीं चाहिए। कोई आंखों में इशारा हो रहा है बाप बेटे का। बिरयानी झाल है, हैदराबादी बिरयानी मतलब जान लो झाल ही तो होगा। शॉपिंग से आने के बाद मैंने और कुछ वीडियो नहीं किया। एक्चुअली कल थोड़ा मूड अच्छा नहीं था, उसका रीज़न है एक्चुअली ये लास्ट कुछ दिन से मैं ब्लॉग अच्छे से पोस्ट नहीं कर रही थी क्योंकि मेरा एक इंटरव्यू आया था और जिसके लिए थोड़ा बहुत प्रिपेयर किया अच्छे से, बट हुआ नहीं। कल उसका मेल आया था कि हुआ नहीं, तो इसीलिए थोड़ा ख़राब लग रहा है। एक्चुअली बहुत अच्छा कंपनी से आया था और आफ्टर 8 ईयर्स मैंने अप्लाई किया और मुझे इतना जल्दी मतलब मिल गया, चांस मिल गया इंटरव्यू का, तो उसी से ही मैं बहुत खुश थी कि चलो ठीक है इतना साल बाद अप्लाई किया और फिर भी आ गया। नहीं हुआ तो उसका तो ख़राब तो लगना ही है, वो कोई बात नहीं। ठीक है चलो कोई बात नहीं, आया इंटरव्यू का चांस मिला वही बहुत बड़ी बात है। एंड सबसे बड़ी बात है ये जो कंपनी थी ये इंडिया का सबसे, ये ऑनलाइन शॉपिंग का जो पहला नाम आपके मुंह में आए ना वही है, बस इतना मैं नाम नहीं बताऊंगी। तो बहुत ही अच्छा लगा था जब इंटरव्यू आया था, देख के बहुत अच्छा लगा। पहला राउंड क्लियर हो गया और सेकंड राउंड में मेरा, पहला राउंड पहले हो गया था फिर उसके बाद ये सेकेंड में शॉर्टलिस्ट हुआ, तो बट सेकेंड में गया, तो इट्स ओके। एटलीस्ट चलो 8 साल बाद इतना अच्छा कंपनी में चांस मिला, एटलीस्ट इंटरव्यू देने को मिला वही बहुत बड़ी बात है। नॉर्मली लोगों को बहुत टेंशन रहती है मैं क्यों जॉब नहीं कर रही हूँ, जॉब नहीं कर रही हूँ, बट एक्चुअली कभी हुआ नहीं। जब मैं जॉब करने का सोच रही थी, जब निवान छोटा था, जब उसको संभाल के जॉब ज्वाइन कर सकती थी, तब हम लोगों को सिचुएशन ऐसा नहीं मिले कि मैं उसको छोड़ के जॉब जाऊं। और ये सोम और मेरा हमेशा से डिसाइड था कि उसको कोई केयर टेकर के हाथ में
मीन्स घर का कोई रहेगा साथ में तो ठीक है, बट और किसी के हाथ में उसको देके हम दोनों जॉब जाएंगी, या सोम भी नहीं चाहते हैं और मैं तो बिल्कुल भी नहीं चाहती थी। अगर मनी इतना ही मैटर करता हमारे लिए तो मैंने तीन तीन जॉब छोड़ा है, मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, तब मैं ज्वाइन कर ली होती। और कोई बात नहीं। और आजकल लोगों का माइंड में ऐसा हो गया है कि मतलब जॉब करना है करना है करना है, उसके लिए सब कुछ छोड़ दो, बट सॉरी हम लोग ऐसे मेंटेलिटी के है नहीं। हमारे लिए थोड़ा बहुत फैमिली मैटर करता है, इमोशन मैटर करता है, अब हम वैसे हैं तो है, क्या करें। और बाकी ठीक है, अभी फिलहाल एक इतना अच्छा इंटरव्यू आया था तो अंदर में जोश जगा है, देखते हैं ट्राई करेंगे नेक्स्ट, फिर अगर कहीं पे आया तो एंड फिंगर्स क्रॉस्ड अगर कहीं। हाँ, और एक चीज़ मैं बहुत ध्यान में रखती हूँ, मैं वर्क फ्रॉम होम के लिए ही अप्लाई करती हूँ, मैं ऑफिस जाने वाले जॉब भी अप्लाई नहीं करती हूँ। और नॉर्मली देखा जाए या तो फिर अगर वर्क फ्रॉम होम नहीं मिला तो कुछ और जरिया ढूंढेंगे, लाइफ तो पड़ी है, देखते हैं। जॉब करने का और स्टडीज़ का कोई एज नहीं होता, आप कभी भी चाहो कर सकते हो, ऐसा मैं सोचती हूँ। बट लोगों को कौन समझाए, और वो लोग ऐसे पिक करना तो छोड़ेंगे नहीं, बट हम लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। ठीक है चलो, कोई बात नहीं। और आज मैं ठीक हूँ, आज मूड पूरा सही है, आज फिर से कल वही थोड़ा सा मन में था, चलो ये जब एक राउंड क्लियर हो गया ना तो फिर लगा कि हाँ अब कुछ होने वाला है इतने साल बाद। बट जब कल आया कि सेकेंड राउंड में कट गई तो गया। ओके चलो, और कल सोम का बर्थडे का तो बहुत सारा शॉपिंग किया और थोड़ा बहुत, बट उनका बर्थडे आ रहा है, वीकडे में तो ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते, बस देखती हूँ घर पे थोड़ा बहुत कुछ करूँगी, सोचेंगे कुछ करते हैं, बस घर पे ही कुछ करेंगे, और वो तो ऑफिस जाना उनको ज़रूरी है तो ऑफिस तो वो जाएंगे ही। तो ठीक है चलो, और ये वाला ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ, बहुत लंबा हो रहा है। सो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, एंड फिर मिलते हैं एक न्यू ब्लॉग में। चलो बाय।